अब हम इसको आपको बताएंगे कि पेरेंटल डिवाइस को कैसे कनेक्ट करना है। तो ये हमारे पास सीपीओ है, ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है, और ये हमारे पास मॉनिटर है, ये आउटपुट डिवाइस है, और ये हमारे पास बाकी कीबोर्ड माउस और ये केबल, ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। तो अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं और इन सबको मिलाकर पेरेंटल डिवाइसेस कहा जाता है। और इसको हम अभी कनेक्ट करते हैं, ये हमारे पास पावर केबल है, ये हमारे पास इनपुट है, तो इसको हम अभी इसमें डालते हैं। हाँ, और ये हमारे पास ये दूसरा पावर केबल है, जो आप इसमें ये, और ये फिर ये हमारे पास अच्छा मॉनिटर के साथ, मॉनिटर के साथ कनेक्ट करेंगे। चुप कर, और ये इसमें भी इसकी भी इसको घुमाएंगे तो ये लग जाएगा इसके साथ, और बस ये हमारे पास ये हम वो स्विच स्पेस में डालेंगे, तो बस ये हमारे पास ये अच्छा की, तो इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका वो। अभी ये जो दूसरा पावर केबल है अभी मैंने इसमें लगा लिया, और ये वाला जो पावर केबल है ये हम इसमें लगाएंगे, तो ये हम जब बिजली में डाल वो स्विच में डालेंगे तो ये हमारे पास ऑन हो जाएगा। और फिर ये कीबोर्ड जो है अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं, नहीं ये बात नहीं, अभी हम हमने इसको सेट किया है और अभी हम इसको ऑन करेंगे यहाँ बिजली से। अभी ये ओपन हो गया, ये पावर बटन है, ये ओपन हो रहा है।